सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, आपां प्लस टू जमात का फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स विशा स्टडी कर रहे हैं। दूजे पाठ दे विच असी पहुंचे हैं कि गरमाउणा की है, तो गरमाउण दीआं किस्मां की हन, ये आपां इस तों पहलां वाली वीडियो दे विच कर चुके हैं। अज आपां स्टडी करना कि गरमाउण दे किहड़े किहड़े सिद्धांत ने। इस तों पहलां कि आपां गरमाउण दे सिद्धांत स्टडी करिए, मैं तुहानूं एक गल कहना चाहुंदा, वह ये है कि विद्यार्थी अक्सर की करते हैं, जिथे गल सिद्धांतां दी आउंदी है ना, उस दे विच आपदे कोलों ही जोड़ जोड़ के गल्लां लिखणियां शुरू कर देंदे ने, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाता है। उन्हां दा प्रश्न जिहड़ा हैगा बिल्कुल खत्म ही हो जाता है, आपां जोड़ के नहीं लिखना। मैं तुहानूं उदाहरण दिंदा, जदों असीं पेपर चैक करदे हां तो उहदे विच बच्चे लिख रहे हुंदे आ सानूं गरमाउणा चाहीदा है, गरमाउण नाल साडे कई फायदे हुंदे आ, गर्म खिडारी नूं गरमाउणा चाहीदा है, गरमाउण नाल जिहड़ा हैगा खेड तों पहलां गरमाउणा चाहीदा, ऐं ही लिखी जांदे। बस ये कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत की होंगे है कि आपां नूं कुछ खास गल्लां दा ध्यान रखना पैंदा है गरमाउण तों पहलां। वह किहड़े सिद्धांत ने, उहनां नूं आपां लाइन टू लाइन उसे तरह ही पॉइंट उहदे लिखणे आ। हाँ, एक्सप्लेनेशन वास्ते तुसीं आपदे शब्दां दा इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपां देखदे हां कि किहड़े सिद्धांत ने। तो प्यारे विद्यार्थियों, साडे कोल प्रश्न है, गरमाउण दे सिद्धांत दसो। तो किहड़े किहड़े सिद्धांत ने, पहलां आपां सारे सिद्धांत पढ़ते हैं। सही समय गरमाउणा, सौखे तो औखे वल दा सिद्धांत, शरीर के सारे अंगां दीआं कसरतां, मौसम अनुसार गरमाउणा, मुकाबले की तीव्रता अनुसार गरमाउणा, सेहत उम्र अते लिंग अनुसार गरमाउणा, ये साडे सिद्धांत ने। हुण एक एक की गल आपां करदे हां। पहला हैगा सही समय गरमाउणा। तो प्यारे विद्यार्थी, सही समय तो भाव यह है कि जो कोई खेड मुकाबला शुरू होना है, कोई मैच शुरू होना है, उस तो 20-25 मिनट पहला जिहड़ा आपां शरीरक एक्सरसाइज करते हैं, शरीर नूं गरमाउणे हैं, मांसपेशियां नूं लचकीला बनाउणे हैं, वह कदों करना चाहिए, मैच तो लगभग 20-25 मिनट पहला। जेकर आपां 2 घंटे पहला किया तां कोई फायदा नहीं होया, तो जमा मैच तो शुरू तो किया तां पूरी तरह शरीर गर्म नहीं होंदा। दूसरा सिद्धांत है जी, सौखे तो औखे वल दा सिद्धांत। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आपां शरीर नूं गर्म करना, तो आपां पहलां कहिड़ियां एक्सरसाइजेस करांगे? आम एक्सरसाइज, हल्कियां फुल्कियां एक्सरसाइजेस जिहदे च ज्यादा जोर ना लगे। जे शुरू तो ही ज्यादा जोर वालियां एक्सरसाइजेस कर लिया तो मांसपेशियां दा खिचाव हो सकता है, सानू मांसपेशियां दी कोई चोट लग सकती है, फिर अपने कोल परफॉर्मेंस जिहड़ी मैच वेले वधिया नहीं दित्ती जाणी। तीसरा है जी, शरीर दे सारे अंगां दीआं कसरतां। जदों असीं फिजिकल एक्सरसाइज करनियां हैगियां तां आपां, ये नहीं हैगा कि कल्ली बांह की एक्सरसाइज कर ली, लत्तां दी भी करनी है, गर्दन भी मोड़नी है, लक भी मोड़ना है, कादे वास्ते सारे शरीर की एक्सरसाइज करनी है, हत्थां दी, गुट्टां दी, इसे तरह गिट्टियां दी, इहदी भी आपां लचक चैक कर लैनी है, इहनूं भी आपां गरमाउणा है। सारे शरीर नूं क्यों गरमाउणा? क्योंकि जदों असीं खेड दे विच भाग लवांगे तां कि सानूं किते भी सट ना लगे, किते इंजरी ना हो जाए सानूं। मौसम अनुसार गरमाउणा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सर्दियां दे विच वध गरमाउण दी लोड़ पैंदी है, क्योंकि ठंड हुंदी है ते शरीर हौली हौली गर्म हुंदा है। गर्मियां दे विच गरमाउण दी घट लोड़ पैंदी है, इस करके जे गर्मी है तां सानूं एक्सरसाइजेस थोड़ी जिही घट करनियां चाहीदियां, नहीं तां उल्टा सानूं कोई ना कोई नुकसान भी हो सकदा। मुकाबले की तीव्रता अनुसार, इहदा की भाव है? इहदा भाव यह है कि जिहो जिहा साडा मुकाबला है, जिहो जिही साडी खेड है, उहदे मुताबक ही सानूं आपदी तैयारी करनी चाहीदी है। 100 मीटर की रेस है तो सानूं वार्म अप वध होना पएगा, जे 10,000 मीटर की रेस है तो वार्म अप घट होण दी लोड़ पऊगी। तो कहण दा भाव है कि आपां वेख लैणा मुकाबला किहो जिहा है, उहदे मुताबक ही आपां शरीर नूं गर्म करना। सिहत उम्र अते लिंग अनुसार, सेहत तो भाव यह है भी कुछ खिडारी जिहड़े हैगे आ उह बहुत तगड़े शरीर दे हुंदे, कुछ दा माजना थोड़ा जिहा घट हुंदा, पर उह टीम दे मैंबर तां हैगे। वेखा वेखी एक घट तगड़े शरीर वाले नूं तगड़े शरीर वाले दे अनुसार गरमाउण दीआं एक्सरसाइज जोर वाली नहीं करनी चाहीदी,
ਪਰ ਕਿ ਆਪਦਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਮਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਤਕੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਭਾਰੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਗ ਹੈਗਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਧ ਭਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਔਖਿਆਈ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਨੀ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਖੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਮਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਅੰਡਰ 14 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਭਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀਆਂ ਕਰੇ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਭਾਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।